अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूम में जो कबर्ड बनती है उसके बारे में कि उस पर आपकी कॉस्ट कितनी आती है और उसको बनाने का तरीकाकार जो है वो उसके बारे में आज। और इसमें ये कबर्ड जो है वो बन रही है आपके सामने। जी भाई जान, कितना अस्सलाम वालेकुम। जी भाई जान, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है जी। कितनी कॉस्ट आ जाती है इस कबर्ड पे बनाने पे? ये एरिया के हिसाब होता है भाई, फिट कितना, एक फिट का कितना खर्चा आ जाता है? 250 रुपये पर फिट। जी 250 रुपये पर फिट कबर्ड का जो है वह। इस पर यूवी शीट लगाएंगे? जी, इस पर यूवी शीट लगेगी। 250 रुपये पर फिट के हिसाब से ये कबर्ड जो है वो तैयार हो रही है। ये आपको चेक करवाने हैं और बहुत मजबूती से, ये देखें, बैक साइड से शापर के साथ कवर किया गया है ताकि ये शापर किसके लिए आया जी? ये शापर कितना है ना चढ़े? ठीक है, सीट बुले ना नमी ना बढ़े। ये इसलिए है कि दवाई भी लगी है। ठीक, ये इसलिए है कि ताकि इसको स्लाब का इशू ना बने और शीट जो है वो उसको सम टाइम ख़राब हो जाती है, तो इसकी वजह से बहुत सेफ्टी रहती है। ये इधर से भी शॉपर लगा हुआ है, ये करें चेक, ये दोनों साइड से शॉपर से कवर किया गया है। और ये देखें, बड़े मजबूती से बना रहे हैं इसको। ये इधर से ये इन्होंने लकड़ी यूज़ की है, ये शीट है यहाँ तक, और नीचे जो है वो ये स्टैंड गया है। ठीक है, हमारी जी पिलर के उ खड़ी हुई है। ठीक है, ये पिलर्स के ऊपर जो है वो कबर्ड खड़ी हुई है। ये शीट लगेगी ऊपर, ये वाली शीट है जी, इसके लिए इसका यह डिज़ाइन है। ये ब्रिक शीट लग रही है, उस पर 400-500 भी चलता है। ठीक ठीक, ये भाई कह रहे हैं कि वैसे 250 रुपये 300 रुपये फिट का चलता है, बाकी डिज़ाइन पे आप पे डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन जो है वो किस तरह का है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इसकी बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट जो है, अगर ये इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फिट है, सपोज कर लो 2 फिट यहाँ तक है, नीचे से ऊपर की तरफ से है वो, हाइट उसकी चेक कर लेनी है उसकी कितनी हाइट है, फिर जो इसकी चौड़ाई है उसको देख। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी चौड़ाई 10 फिट है, 10 फिट इसकी चौड़ाई है, और उसके अलावा इस है, और ये वाला जो 2 फिट है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 फिट आ जाएगा। 20 फिट ये वाला एरिया आ गया, और आपने इसकी हाइट फिट देख लेनी है। हाइट भी अगर 9 फिट है तो 10 फिट है, अगर हाइट भी तो ये 200 फिट, टोटल 200 फिट बन जाएगी। तो 200 फिट को आप 250 से मल्टीप्लाई कर लें, जो भी रेट आ रहा है तो उसके हिसाब से इसका रेट होगा। तो अब बात ये है कि इसमें 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख के करीब करीब इसकी कॉस्ट आ जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका जो है वो
आपकी जो से आपकी कवर्ड बन रही है उसका एक तो साइज़ पे डिपेंड करता है और एक डिज़ाइन पे डिपेंड करता है और दूसरा मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा यूज़ करवा रहे हैं। कुछ शीट जो है वो हल्की होती हैं और वो चीप भी मिल जाती हैं, कुछ शीट जो है वो महंगी होती हैं, तो इस पर ये भी डिपेंड करता है। तो ये कबर्ड की जो आपकी कॉस्ट है वो 70 से 80 हज़ार, ये जो कबर्ड बना रहे हैं ये कह रहे हैं भाई कि इसकी कॉस्ट जो है वो 70 से 80 हज़ार जो है वो आएगी। तो आप लोग अगर कबर्ड बनवाना चाह रहे हैं तो आप लोग ये माइंड में रखें कि इसकी इतनी कॉस्ट जो है वो आ सकती है। ये अभी बना रहे हैं कबर्ड, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, आप लेबर पे भी कर सकते। अच्छा, ये एक बात मैं क्लियर कर दूँ, 250 रुपये फिट के हिसाब से ये इनका लेबर चार्जेज है सिर्फ, तो बाकी जो है वो मटेरियल जो आप ख़ुद प्रोवाइड करेंगे इन वो वैसे जो है वो 500 रुपये 600 रुपये फिट भी कर देते हैं, उसमें मटेरियल फिर आप उनका अपना होता है, तो वो डिपेंड करता है। अगर बेहतर यही है कि मटेरियल जो है ना वो आप इनको ख़ुद प्रोवाइड करें, वो आपने ख़ुद से देख लेना, मेरा यही मशवरा है कि मैंने ख़ुद भी काम करवाया हुआ है। मटेरियल अगर आप ख़ुद परचेज़ करके देंगे तो उसमें आपका फ़ायदा है, मटेरियल आप अपनी पसंद का लेंगे। अगर मटेरियल जो है वो अगर आप इनसे बात करते हो तो वो उन पर डिपेंड करता है, मटेरियल अच्छा लगा दें ना अच्छा लगाएं, तो ये इस तरह से होता है। तो ये अभी इसकी तैयारी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो चेक करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।